हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं पोयम रेन ऑन द रूफ के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज बी हाइव बुक ग्रेड 9 से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। कुछ आपको यहाँ फ्रेजेस दिए गए हैं, इनका मतलब क्या है बताना है। पहला है ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड शेडोज का मतलब हुआ डार्क क्लाउड्स दैट कवर द स्काई एंड ब्रिंग रेन। आसमान में जो काले बादल छा जाते हैं और उसके बाद जो उनकी वजह से बारिश होती है, उसे यहाँ पर ह्यूमिड शेडोज की तरह बताया गया है। स्टारी स्फीयर्स, इसका मतलब हुआ इट रेफर्स टू द स्काई दैट इज यूजुअली फुल ऑफ स्टार्स, एक ऐसा आसमान जो पूरा का पूरा सितारों से भरा हुआ। व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है, ब्लिस मींस हैप्पीनेस, खुशी। हियर द पोएट सेज दैट इट इज सच अ हैप्पी मोमेंट व्हेन वन लिसंस टू द पैटर ऑफ द रेन ओवरहेड। जब टिप टिप हम कहते हैं ना बारिश गिरती है, तो उसकी जो आवाज है वो एक अंदर से अलग ही खुशी देती है। A thousand dreamy fancies into busy being start। अब इसका मतलब क्या है? It refers to the several thoughts and fantasies that surround the poet when he listens to the patter of the rain। जब ये बारिश की टिप टिप जो होती है, उसको poet अपने अंदर महसूस करता है, तो वो उस टाइम पे जो इतने सारे thoughts उसके माइंड में चल रहे होते हैं, इतनी fantasies से जो वो घिरा हुआ होता है, उन सबको सोच के जो है ये लाइन उसने रेफर करी है। A thousand recollections weave their air threads into woof। अब इसका मतलब क्या हुआ? It means that poet feels as if his old memories are being woven in front of him। वो अपनी जो उसकी पुरानी यादें हैं, सबका एक तरह से उसके सामने दोबारा से ताना बाना बुन गया, ये मतलब है इसका कहने का। What does poet like to do when it rains? Poet क्या करना उसको अच्छा लगता है जब भी बारिश होती है? Poet likes to press his head into the pillow of his cottage chamber bed and listens to the patter of the soft rain overhead. Poet को बहुत अच्छा लगता है उसका जो cottage है, उसमें जो chamber है, उसका bed पड़ा हुआ है जहाँ पे, वहाँ उस bed के ऊपर जो pillow है, उसमें अपना सिर रख के poet को बारिश की जो एक बौछार होती है, उसकी जो आवाज होती है, उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। What is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers he refer to? एक single major memory कौन सी है, बड़ी सी याद जो poet के mind में आती है? कौन है वो darling dreamers जिनकी वो बात कर रहा है? The single major memory that comes to the poet is of his mother and her fond look on the poet. जो सबसे बड़ी memory है पोएट के माइंड में, वो है उनकी मदर की, या वो जितनी सी खूबसूरत दिखती थी उसको लेकर ही पोएट के माइंड में उनको ले रिलेटेड मेमोरी है। डार्लिंग ड्रीमर्स में पोएट रेफर कर रहे हैं पोएट और उनके सिबलिंग्स के बारे में, हु वाज सेंट टू स्लीप बाय द पोएट्स मदर एवरी डे, कि कैसे उनकी मदर जो है पोएट की, वो हर दिन पोएट को और उनके भाई बहनों को रोज सोने के लिए भेज देती है। इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, Is his mother still alive? क्या poet अभी भी बच्चे हैं? उनकी mother क्या आज जिंदा हैं? No, the poet is now a grown-up man. His mother is not alive anymore. Poet जो है वो बच्चे नहीं हैं. He is a grown-up man. और उनकी mother भी जो है आज की date में alive नहीं हैं. When you are a young child, did your mother tuck you in as the poet did? क्या आप जब छोटे बच्चे थे तो आपकी भी mother जो है आपको ऐसे ही सुलाती थी जैसे poet की mother करती है? Yes, when I was a young child, my mother tucked me in. She would sing lullabies and send me to sleep. हर बच्चे की माँ जो है, जब वो छोटे होते हैं, तो उनको सुलाने के लिए वो खुद ही अपने पास उनको बिठा के, अपने पास लिटा के उनको सुलाती हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कहानी सुन के नींद आती है, बहुत से बच्चों को लोरी सुन के नींद आती है। तो ये डिपेंड करता है कि किस बच्चे की मदर उसको किस तरीके से रात में सुलाती है। Do you like rain? What do you do when it rains steadily or heavily as described in the poem? अब हर एक को पता है कि उसको बारिश पसंद है या नहीं पसंद। बहुतों को बारिश बहुत पसंद होती है और बहुतों को बिल्कुल नहीं पसंद होती है। तो जब ऐसे लगातार बारिश होती रहती है या बहुत तेज बारिश होती है जैसा कि पोएम में बताया है, तब आप लोग क्या करते हैं? Yes, I like when it rains. मुझे बारिश बहुत पसंद है। When it rains heavily, like to listen to the patter of the rain onto the overhead and look at the drops falling on the leaves of the plant. बारिश की जो बूंदे जब वो ऊपर हमारे टीन शेड पे या सन शेड पे, जिस पे भी आवाज करने वाली चीज पे गिरती है, तो उनकी बूंदे सुनना आवाज बहुत अच्छा लगता है। दूसरा,
बारिश की जो बूंदें हैं जब वो पेड़ की पत्तियों पे गिरती हैं या कहीं किसी पर्टिकुलर पोर्शन में गिरती हैं, पॉट में गिरती हैं, तो वो जो एक देखना होता है, एक जो फील होता है ना, उसका अलग ही इंजॉयमेंट होता है। ये निर्भर करता है कि किस बच्चे को बारिश पसंद है और किस बच्चे को बारिश नहीं पसंद है। Does everybody have a cozy bed to lie in when it rains? क्या जब बारिश होती है हर एक के पास ऐसा आरामदेह बेड होता है जब वो उसको में लेट के बारिश को एंजॉय कर सके? Look around you and describe how different kind of people or animals spend time seek shelter during rain. अब आप ये देखो आपके आसपास तरह तरह के लोग होते हैं, जानवर होते हैं, वो कैसे अपना समय बिताते हैं, किस शेल्टर के नीचे अपने आप को सुरक्षित करते हैं जब बारिश होती है। नो, नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ कोजी बेड टू लाई व्हेन इट रेन्स। हर एक के पास जरूरी नहीं है इतना आरामदेह घर हो, मकान हो, बेड हो, जिससे वो अंदर बैठ के रेन को इंजॉय कर सके। पुअर पीपल हु डू नॉट हैव अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रेन। अब जो गरीब लोग होते हैं उनके पास छत तक नहीं होती कि वो अपने आप को रेन से बचा सके। दे वंडर हियर एंड देयर टू फाइंड अ प्लेस वेयर दे कैन स्टैंड अंडर द टिन रूफ्स और ट्रीज। अब वो क्या करते हैं, इधर उधर मारे फिरते हैं, हो सकता है उनको कहीं टीन का क्या कहते हैं छत दिख जाए, या टीन का शेड होता है जहाँ पर, या पेड़ होते हैं वो उसके नीचे खड़े हो जाते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए। पीपल हु वेंट आउट ऑफ देयर होम्स ट्राई टू रश बैक टुवर्ड्स देयर होम एज सून एज पॉसिबल। अब जो लोग काम पर गए होते हैं, किसी काम से बाहर निकले हुए होते हैं, वो जो है जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि बारिश जो है तेज हो, उससे पहले हम घर पहुंच जाएं। अगर तेज भी हो रही होती है तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी हम अपने घर पहुंच जाएं। Animals try to find places to save themselves from getting wet during rain. Even जानवर जो हैं वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरह से किसी पेड़ के नीचे या कहीं पे कोई जरा सा भी शेड दिखता है उसके नीचे बैठ जाते हैं ताकि अपने आप को गीला होने से बचा लें। तो ये थी आपकी पोएम, आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।